फरज शहजादी साहिबा और उनके खावंद एहसन जमील गुज्जर बकायदा तमाम तर मनसूबाबंदी पीछे बैठ के करते थे, जो बुशरा मानिका साहिबा इमरान खान की मंजूरी से आगे लेकर चलती थी। मैं गवाह हूं इस बात का कि पंजाब के अंदर डीपीओ से लेके पटवारी तक जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी उसमें शेयर जाता था। जब खावर मानिका साहब की तोहीन करने पर रिजवान गोंदल नामी डीपीओ को तब्दील किया गया था ना, तो हमने उसकी सिफारिश की थी एहसन जमील गुज्जर साहब को कि माफी दे दें, क्योंकि एहसन जमील गुज्जर का और फराह गोगी का पंजाब में तूती बोलता था, रेट निकले हुए थे पोस्टिंग ट्रांसफर के, डेवलपमेंट के ठेके कई सौ अरब के मनपसंद ठेकेदारों को जाते थे, ठेके से पहले अलग कमीशन लिया जाता था और ठेके के बाद अलग कमीशन लिया जाता था, पेपर स्कीमें, पेपर पे एक सड़क बनी है ऑन ग्राउंड नहीं बनी, किधर गया पैसा? वो फराह शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के अकाउंट में गया और उन्होंने इमरान खान पर और बुशरा मानिका पर लगाया। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था 2018 में, क्यों किया था? इसलिए नहीं किया था कि बिजनेस कम्युनिटी को फायदा हो, इसलिए किया था कि फराह गोगी को उस टैक्स एमनेस्टी में काला धन डिक्लेयर करने का मौका दिया जाए।